हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट, कौन कौन से एक्सिपिएंट जो कि हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में। पहला है सल्फेक्टेंट, रियोलॉजी मॉडिफायर्स, ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलियंट, प्रिजर्वेटिव। तो पहला हम बात करेंगे सल्फेक्टेंट की। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय चार्ज ऑफ पोलर हेड ग्रुप। ये सल्फेक्टेंट जनरली चार्ज कंटेन करता है पोलर हेड ग्रुप। फिर देर आर फोर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सल्फेक्टेंट, दैट इज पहला है आयनिक सल्फेक्टेंट, शोज गुड फोमिंग प्रॉपर्टी। ये जनरली शो करता है फोम बनाने का इसका काम है सल्फेक्टेंट, दैट इज आयनिक सल्फेक्टेंट का काम है फोमिंग प्रॉपर्टी। उसका एग्जाम्पल है अल्काइल सल्फेट्स लाइक सोडियम लोरी। सेकेंड है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ये है सेकेंडरी, इट इज सेकेंडरी सर्फेक्टेंट, सेकेंडरी सर्फेक्टेंट है। फंक्शन है इसका फोम बूस्टर, विस्कोसिटी इंड्यूसर, इमल्शन स्टेबिलाईजर। ये फोम को बूस्ट करता है और विस्कोसिटी इंड्यूस करता है और इमल्शन को स्टेबिलाईज करता है। इट हैज गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये इसके पास क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो बहुत अच्छी होती है। उसका एग्जाम्पल है एस ऑर्बिटॉल, ईस्टर, पॉलीग्लिसरल, ईथर। थर्ड है कैटायनिक सल्फेक्टेंट, इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। इट हैज़ गुड फोमिंग एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी फोमिंग का और क्लीनिंग का दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। यूज इन लो कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज टॉक्सिक टू आई, ये इसका हम लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया जाता है बिकॉज ये टॉक्सिक करता है आई को अफेक्ट करता है। फोर्थ है एम्फोटेरिक सल्फेक्टेंट, पोजेस कैटायनिक एंड आयनिक चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। गुड हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी, ये इसके पास हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अब एक बार हम रिवीजन कर सकते हैं। पहला है क्या बोलते हैं सल्फेक्टेंट, सल्फेक्टेंट जनरली पॉजिटिव चार्ज रहता है, हेड ग्रुप रहता है। इसमें चार सल्फेक्टेंट चार ग्रुप है, पहला है आयनिक, सेकंड है नॉन आयनिक, थर्ड है कैटायनिक एंड फोर्थ है एम्फोटेरिक। फिर एनायक ये गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उसका एग्जांपल है सोडियम लोरे। फिर सेकंड है नॉन आयनिक, ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड है कैटायनिक, ये दोनों भी दैट इज गुड फॉर्मिंग और गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। फिर फोर्थ है एम्फोटेरिक जो कि गुड हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। फिर अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो फर्स्ट है डिटर्जेंट, यूज फॉर क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है सर्फेक्टेंट, दैट इज डर्ट, सॉलिड पार्टिकल एंड ऑयली डिपोजिट ऑन स्किन एंड हेयर। कोई भी डर्ट या फिर सॉलिड पार्टिकल या फिर कोई ऑयल डिपोजिट स्किन और हेयर में उसको यूज किया जाता है, दैट इज इट इज यूज फॉर क्लीनिंग। सेकेंड है वेटनिंग प्रॉपर्टीज, अलाउ सर्फेक्टेंट टू स्प्रेड मोर इजिली ऑन सरफेस एंड इंजेक्ट देम सेल्फ बिटवीन ऑयल डिपोजिट ऑन स्किन और हेयर सरफेस। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, स्प्रेड हमारी स्किन पे इजिली स्प्रेड हो जाए और हम इंजेक्ट कर सके ऑन स्किन, दैट इज ऑयल डिपोजिट, बिटवीन ऑयल डिपोजिट। थर्ड है इमल्सिफिकेशन, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर और इमल्शन। इमल्सिफिकेशन मिक्सचर रहता है ऑयल और वाटर का। इमल्शन आर क्रीम एंड लोशन, दे आर अप्लाइड ऑन बेनिफिशियल लिपिड मटेरियल टू सरफेस ऑफ स्किन एंड हेयर। हम क्रीम और लोशन को जनरली अप्लाई करते हैं स्किन के सरफेस और हेयर पे। फिर फोर्थ है इट इज यूज एज फोम एंड थिकनिंग एजेंट, हम सर्फेक्टेंट को फोम एंड थिकनिंग एजेंट के बेसिस पे यूज किया जाता है।